ठीक है। लैंड माफिया की जानिब से मुख्तलिफ अदवार में अकलीती बरादरी की अराजियत जिनमें गुरुद्वारे मंदिर चर्चिस और कब्रिस्तान शामिल हैं पर कब्जा किया जाता रहा है जो ताहाल बागुजार नहीं कराई जा सकी जिसकी वजह से अकलीती बरादरी में एहसास मरूमी और बेचैनी पाई जाती है। लिहाजा ये ऐवान सूबाई हुकूमत से सिफारिश करता है कि वो लैंड माफिया की अकलीती बरादरी की कब्ज़ा की जाने वाली अराजियत गुरुद्वारे मंदिर चर्चेज और कब्रस्तानों के वागुजार कराने को यकीनी बनाए कि गुज़श्ता कई सालों से हमारी वो जो हाउसिंग स्कीमें जिंदों के लिए जो आबादियाँ बनाई जाती हैं उन पर तो कब्जे होते हैं लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि चर्च और मंदिर और कब्रिस्तान को भी नहीं बख्शा जाता। अभी क्वेटा में 1991 से लिया कब्रिस्तान है कमर्शियल जो थोड़ा जैसा एरिया होता है कभी कोई कब्ज़ा कर लेता है कभी कोई कर लेता है। इसी तरह सिबी में है एक कब्रिस्तान अलाट किया गया था जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को और हिंदू कम्युनिटी को उसमें अभी तनाज़ा चलता है ऐसे के मजहबी बुनियाद पर मुसलमान भाई जो है अपने तरीक़ाकार से इबादत करते हैं और जनाजा भी पढ़ाते हैं इसी तरह क्रिश्चियन इसी तरह दीगर अकलीतें भी लेकिन कब्रिस्तान तो मुश्तरक नहीं होने चाहिए। ये गुजारिश है आपसे कि इंतज़ामिया की मदद से ये सब कुछ होता है कब्ज़े होते हैं लैंड माफिया शायद इनके कंट्रोल में नहीं है वो इनको नहीं कब्ज़े वालों को संभाल सकते। गुजारिश है कि आपको पता है कि इस वक्त एक वबा भी फैली बहुत से हादसात हो रहे हैं जनाजे हो रहे हैं कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में या हर शहर में डीसी साहब आबादी के हिसाब से कम कब्रिस्तान तो हर अकलियत को और मैं ये कहता हूँ कि मुस्लिम भाइयों को भी दें कब्रिस्तान के लिए जगह मुहैया की जाए। आप सबसे गुजारिश है कि इसके लिए सरदार साहब अभी चले गए खेतरन साहब वो कहते हैं जी ये गवर्नमेंट जो है करती है काम कर रही है तो मैं समझता हूँ कि अगर कब्रिस्तान के लिए काम करेगी तो उनके लिए हम दुआगो होंगे के और इसमें अगर आप रूलिंग दे दें उस पर मैं परसू भी करता रहा पूरे बलूचिस्तान के लिए मैंने लिखा था चमन में भी कब्ज़ा है वो ताकतवर लोग हैं उनके साथ हम लोग मुकाबला नहीं कर सकते अकलीतें नहीं कर सकती मुकाबला और इसी तरह मुस्लिम बाग में हाउसिंग स्कीम है हमारे लास्ट ईयर पश्तूनख्वा के मेंबर थे उन्होंने हाउसिंग स्कीम अपने फंड से परचेज़ की वो पहले स्कीम वो लैंड वाले जो ऑनर होते हैं वो दे देते हैं फिर बाद में जब वो पेमेंट हो जाती है उसके बाद कब्ज़ा उन्हीं के लोग कर लेते हैं। क्वेटा में भी इसी तरह और इसी तरह कब्रिस्तानों का है नहीं सर मेरी बात सुने कोर्ट में केस चल रहा है 25 साल से क्वेटा डिस्ट्रिक्ट में अभी भी वो कोर्ट में केस है मुझे डिग्री हुआ है क्वेटा में जो बुरूरी रोड पर कब्रिस्तान है मेरे नाम से डिग्री हुआ है इससे पहले मेरे वालिद साहब थे और वो सात काउंसलर हैं उनके साथ और एक पादरी साहब भी हैं वो भी इसी तरह कब्ज़ा है जो कमर्शियल एरिया आता है हाउसिंग स्कीमों पर भी इसी तरह ही है और कब्रिस्तानों पर भी इसी तरह है। चमन में जो चर्च है बड़ा मेन रोड पर उधर बहुत बड़ा चर्च है और वहाँ साथ ही दुकानें हैं उधर भी हैं हमारे बैठे नुमाइंदे यहाँ इनसे पूछ लें कितनी मरतबा कब्ज़ा हुआ है जो नई गवर्नमेंट वागुजार करा सकती नहीं छुड़वा सकती मैं हम लोग इंतजार नहीं चाहते हम लोग चाहते हैं कि उसके बदले उसके वजह में गवर्नमेंट उसके जगह जिधर तो गवर्नमेंट ने जगह बना ली जैसे क्वेटा में मैंने निशानदेही की उसके ज़मीन की एयरपोर्ट रोड पर 29 एकड़ ज़मीन है इसी तरह कॉलेज जो जगह हमारे से ले ली उसके एवज़ हमें सरकार उसके बदले में दे कोई जगह तो दे हमें हमारे लोगों को रिहाइश के लिए दे उसी में बड़ी ज़मीन है वहीं कब्रिस्तान के लिए भी कोई ज़मीन मिल सकती है कोई संजीदगी से हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। जनाब स्पीकर साहब इनके जो भी मसले मसाइल हैं आज तक इन्होंने उसका फैसला वहीं कोर्ट से आएगा
बाकी जो भी मसले मसाइल हैं मैं कोर्ट का फैसला ठीक है थैंक यू गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट करेगी, हम आपके साथ बैठ जाएंगे, आप हमें निशानदेही करें ओवरऑल बलूचिस्तान में जिधर भी है तो फुल सपोर्ट करेंगे, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह।